हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज दूसरा दिन है मेरा बोलपुर शांति निकेतन में। तो कल तो घूमे और कल रात को इतना पैर दर्द करने लगा ना घूमने के बाद, जो चोट था मतलब एकदम टन टन मार रहा है चोट। तो बाकी सब हो गया। सुबह उठ के वीडियो एडिट किए क्योंकि अभी पापा जी कॉल किए घर से, तो नींद खुली सुबह 7 बजे, उसके बाद वीडियो एडिट करके अब अपलोडिंग पे है। मतलब टाइम से थोड़ा ज़्यादा में अपलोड होगा, तो कोई बात नहीं है। और अब हम और भाई जी निकलते हैं। भाई जी तो एकदम झोटा उटा तैयार करके हो चुके हैं रेडी, और हम और भाई जी निकलते हैं फिश मार्केट, क्योंकि यहाँ हमें खाना है कोई फिश। तो बस है जो 2-3 दिन में खा लेना है, अगर फिर तो घर निकल ही जाना है। और क्लास भी हमारा, भाई जी की भी क्लास है, तो बैग वैग अपना ठीक करके ही जा रहे हैं बाहर। तो चलिए निकलते हैं, पहले फिश मार्केट लेते हैं मच्छी, फिर आते हैं। ये देखिए बाहुबली शटर उठाते हुए। वाह भाई जी वाह। तो बोलपुर में सब लगभग लोग बसंती से ही चलते हैं, बहुत कम ही लोग बाइक चलाते हैं। तो यहाँ पे बसंती है और हम बसंती पे हैं। भाई जी बसंती को राइड कर रहे हैं, बसंती चल रही है, चलाई जा रही है। अरे यहाँ ई रिक्शा बहुत चलता है, गाड़ी वाड़ी एकदम गाँव के बराबर चलता है। फिर हमको हो जाएगा 50 का माइनस हो जाएगा, जिंदा वाला कतला है। कैसे कतला? हमने लिया है चेंगड़ी मछली, जो कि यहाँ पे 400 रुपये केजी है अभी। वो हमको लगता है झींगा का बड़ा साइज है, इसलिए एकदम मस्त लगता है। लेकिन इतना झींगा इतना तो हम लोग क्या होता है, ये इतना बड़ा बड़ा मतलब खोल निकाल के है। तो चलिए ले जाते हैं और लेते हैं पहले सब्जी। तो भाई जी ले रहे हैं सब्जी, तो हमने सब्जी भी थोड़ी सी ले लिया, टमाटर अदरक धनिया पत्ता ये सब। अब निकलते हैं घर की ओर। यार क्या घर है यार, मतलब यहाँ पे घर ही इतना सुंदर सुंदर है ना। और हर घर पे आपको ऐसा मिल जाएगा, इतना पौधा रखा हुआ हर घर पे। तो हम तो नहा धोवा के रेडी हैं, और आए थे उस दिन नहा के आए थे और कल नहीं स्नान किए, तो एकदम थोड़ा निजी लग रहा था। और इस घाव के चलते भी कि कहीं वो भीगेगा जाए, तो आज भी उसको भिगाया नहीं है, थोड़ा सा पैर ऊपर करके बाकी पूरा अच्छे से एकदम स्नान उस्नान हो गया है। तो स्नान करके अभी घर में सरसों कम पड़ गया, सरसों नहीं है अभी, खत्म हो गया, ध्यान में नहीं था। तो जाते हैं सरसों लाने, मच्छी बनेगा अपना, इसलिए तो जाते हैं लेके आते हैं। और भाई जी चले गए कॉलेज, तो जाना हम भी को पड़ेगा। तो अभी आए हैं बाहर से और वही सरसों लेके। तो यहाँ पे सरसों बोले तो नहीं समझा, तो मैंने बोला वो पीला दाना छोटा वाला, तो लोग समझ गया। तो वहाँ मफिन्स मिल रहा था, तो सोचे दीदी के लिए लेते चले, दीदी को थोड़ा खिलाते हैं मॉफिन्स। तो खाना हमारा बन चुका है, लग चुका है खाना, चावल दाल और मच्छी। और अब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद देखते हैं। आज डिपार्टमेंट जाने का ऐसा मन है, लेकिन अगर जिनसे मिलना है दी से, तो अगर उनको कॉल लगाएंगे, अगर वो फ्री होंगी तो आज जाएंगे, नहीं तो कल पक्का उनसे मिलेंगे। तो खाना हमारा बन चुका है और खा लेते हैं पहले, ताकि और भाई जी तो कॉलेज में है तो आएंगे थोड़ा लेट से, हम लोग को लगे बहुत ज़ोर से भूख भाई। और दी बनाई है आज का मच्छी, तो खा के देखते हैं भाई है कैसा। तो आप अभी हमें दिख रहे होंगे एकदम तैयार, नहीं तैयार क्या, ऐसे रेडी होके हम घर से निकल चुके थे, जा रहे थे म्यूजिक डिपार्टमेंट यहाँ विश्व भारती का। तो लेकिन वहाँ से कॉल आ गया, फिर से मिलना था दी से, दादा से, क्योंकि पहला एडमिशन मेरा यहीं हुआ था। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि विश्व भारती में जिसको नहीं रखना होता है कुछ सर्टेन जो भी, तो नहीं रह पाता है। तो हो सकता है इस वजह से भी, क्योंकि हमने अदर जब एडमिशन ले लिया इस वजह से कैंसिल हो गया यहाँ का एडमिशन। बट उनसे आए हैं तो थोड़ा मिल के जाएँ, थोड़ा सी बात लेके जाएँ, ताकि आगे जो भी हम करें अच्छा करें। तो उनका कॉल आ गया कि अभी टाइम हो गया उन लोग को शायद निकलने का, तो सभी लोग निकल गए वहाँ से। तो आज हम लोग लौट के आ गए रास्ते से ही, और कोई बात नहीं कल एकदम टाइम पे पहुँच जाएंगे, टाइम पे कल जाएंगे, उसके बाद मिल के फिर आएंगे। तो अभी तैयार हैं ही, तो ऐसे ही तैयार में लिस्ट बनाते हैं, घर का सामान लाना है तो चलेंगे अभी मॉल, क्योंकि कल नहीं गए थे और अभी मॉल जाएंगे हम दीदी। तो लिस्ट बनेगा उसके बाद निकलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 5 और हम लोग 4 बजे निकल ही रहे थे यहाँ से, कि मुझे मैसेज आया कि अभी क्लास है और मैं क्लास करने लगा। तो अभी 5 बज रहे हैं, क्लास ओवर हो चुका है, तब तक दी ऊपर चली गई थी तो ऊपर से भी आई हैं। और हम लोग अब निकलेंगे बाज़ार के लिए, ताकि जल्दी जाते हैं, क्योंकि दी का फिर से क्लास है 6 बजे से। तो जाते हैं मॉल, कुछ सामान लेना है, राशन वाशन,
तो कुछ भी लेंगे। तो अभी जाते हैं, निकलते हैं, फिर देखते हैं और क्या होता है। अगर अभी हम बिहार में होते और तब दीदी को कहते कि ये चलो साइकिल पे बैठ के, तो नहीं जाती। लेकिन अभी देखिए, लेकिन अभी एकदम बढ़िया से बैठी हुई है, इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रेडिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहाँ चलते हैं ऐसे साइकिल पे बैठ के, खुद आगे बैठते हैं, दीदी या किसी की वाइफ हो गई तो लोग साइकिल पे यहाँ खूब चलता है। हम आए हैं अभी मार्ट, और मार्ट में जाके देखते हैं क्या क्या खरीदारी करनी है। दीदी तो आगे बढ़ गई है। यहाँ पे लेते हैं सामान, ये सब वाई वाई, ये सब मैगी वैगी। तो देखो देखो ये सब बात करती है मॉल आके बात। मैगी को सबसे पहले मैगी ही लेना है, हमेशा मैगी आके पहले लेती है। हम देखते हैं राशन का कुछ सामान, जैसे आटा चावल दाल ये सब, वो लेना है यहीं से, और यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो पैक्ड एकदम, कोई नो टेंशन, आपको सारा सामान एकदम फ्रेश मिलेगा। तो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बिल विल करवाएंगे, तो बिल विल करवा के फिर देखते हैं शॉपिंग, और अब निकलते हैं घर। सामान ली हुई है दी, और मुझे ड्राइव करना है साइकिल, तो निकलता हूँ साइकिल लेके। उसके बाद देखते हैं कहाँ शाम हो गया, तो देखते हैं कहाँ निकलते हैं कि घर ही पे रहना है। तो अभी भाई जी आए हैं कॉलेज से, और रात हो चुकी है, मतलब कॉलेज इतना रात को नहीं होती है, थोड़ा काम था इनको इसलिए, और आए हैं। तो सबसे पहले इनको नज़र पड़ा पेरा पे, जो हम घर से बना के लाए हैं, तो जल्दी एकदम हंसते हैं और पेरा निकाला है। दीदी इधर कर रही है फ्रेंच क्लास, और हमारे भाई जी लेट हैं, इनको भी करना रहता है लेकिन लेट है इसलिए आज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोनों भाई बहन का प्यार, मतलब खुद दोनों खा रहे हैं, बाबू हमको नहीं खाना है इसे, देखो छीन लिया। इसको कहते हैं भाई, मैं इसलिए नहीं मीठा खा रहा हूँ क्योंकि घाव की वजह से, कि अभी ये सूख रहा है, अगर अभी फिर से ये पाक कर दिया, मतलब पस वस भर गया, तो फिर दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मैं मीठा एकदम अवॉइड कर रहा हूँ मीठा। अभी हम लोग निकले हैं इतने लेट को सूप पीने, क्योंकि सूप तो पीना है, ठंड भी है, और दीदी का क्लास चल रहा था लेट तक। तो अब निकलते हैं, सब भाई जी लोग भी है, थक भी है, मतलब चलने में दिक्कत हो रहा है ऐसे, लेकिन तब पर भी जाते हैं, पी के आते हैं। और यार लगी है ज़ोर से, पर जगह कहीं नहीं दिख रहा, इतना साफ़ सुथरा है ना पेड़ पौधा की, वो बिहार वाला हाल नहीं है, कहीं मार लिए, यहाँ नहीं है वो। तो ये जो आपको दिख रहा है घर, ये है बॉयज़ हॉस्टल यहाँ का, जिसमें भाई जी पहले रहते थे। इसका नाम देखिए, नीचू बांग्लो बॉयज़ हॉस्टल विश्व भारती। तो ये बहुत सुंदर हॉस्टल है, बहुत खूबसूरत है। अभी जगह मिल गया, हो लिया हल्का। हम आए हैं यहाँ पे चिकन सूप पीने, और दादा का चिकन सूप बहुत अच्छा होता है, और हम लोग नीचे बैठे हुए हैं ये स्टूल पे। ब्लॉग में कल देखिए कि जब आप हमसे तो बात कर रही हैं, और ये अपना बात कर रही हैं दी से, तो ये लोग बात, ये बातूनी लोग हैं, इनका बात नहीं सुनने का। और हम लोग चिकन सूप पीने आए हैं, तो ये भाई साहब भी आए हैं, और हमारा आ गया है सूप। और ये रहा हमारा आज का चिकन सूप, जो कि देखने ही में बहुत टेस्टी लग रहा है, तो ये देखने में बहुत टेस्टी है, तो पी के देखते हैं कैसा है। मैंने भी लिया और अच्छा लगा, ये अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है। लोग आ गए घर, और यहाँ भी कुछ खाना दोपहर का बचा हुआ है, तो देखेंगे जिसको भूख होगा मिला जुला के सब लोग खा लेंगे, क्योंकि भूख उतना है नहीं, सूप पीने के बाद उतना भूख रहता नहीं। तो अब करेंगे, तो अब बेड वेड लगाएंगे, और जो भी करना हो मैं एडिट अभी ही करूँगा, सुबह लेट हो जाता है, सुबह मुझे डिपार्टमेंट जाना है, मैं दी से मिलने, तो इसलिए उठेंगे और जल्दी जल्दी स्नान उस्नान करेंगे। तो अभी करते हैं ब्लॉग का एंड। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखने के लिए धन्यवाद, बाय। हम आपका बोल रहे हैं ना बाबू, हमको नहीं, हमें हमें इतना मत छीनो।